हाँ, कल क्या पढ़ा था? संबंध, ठीक है, कल संबंध पढ़ा था। आज हम लोग संबंध में आगे क्या पढ़ेंगे? प्रांत, परिसर और सहप्रांत, तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। प्रांत, परिसर और सहप्रांत। प्रांत को बोलते हैं डोमेन, परिसर को बोलते हैं रेंज और सहप्रांत को बोलते हैं कोडोमेन। बच्चों ये तीनों चीज़ें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, कोडोमेन, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रांत, सह प्रांत, परिसर और सहप्रांत। प्रांत, परिसर और सहप्रांत। ये तीनों चीजें। प्रांत को क्या बोलते हैं बोलो? प्रांत को बोलते हैं डोमेन, परिसर को रेंज और सहप्रांत को कोडोमेन। तो उससे पहले एक क्वेश्चन दे देते हैं। देख कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नाइन नंबर देखो, पहले नाइन नंबर देख लो। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, मतलब दो सेट्स हैं, जहां एन ए बराबर थ्री, एन ए बराबर थ्री, मतलब कि ए में जो अवयव है वो कितने अवयव है? तीन। एन बी बराबर दो, बी में जो अवयव है वो कितने हैं? दो। यदि एक्स कॉमा वन, एक्स कॉमा वन, वाई कॉमा टू, जेड कॉमा वन ए क्रॉस बी में है, कहां पर है? बिलोंग कर रहे बच्चों ए क्रॉस बी में। तो ए और बी को याद कीजिए जहां एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो बच्चों एन ए में कितने अवयव है? एन बी में कितने अवयव है? दो। तो यार ये ध्यान दो, अगर ए क्रॉस बी में हमने बताया है तुमको नियम कि अगर कोई अवयव एक्स कॉमा वाई है तो ये एक्स जो होगा वो पहले वाले में बिलोंग करेगा, है ना, और वाई जो होगा वो किस वाले में बिलोंग करेगा बच्चों? तो इसी प्रकार से अगर मैं ए पूछूं यहां पर ऊपर वाले से, तो ए में क्या क्या होगा? जो पहले अवयव है एक्स वाई और ये सब कहां पर होंगे? ए में होंगे, होंगे नहीं होंगे बच्चों बोलो? और बी में क्या होंगे? जो सेकेंड अवयव है, क्या क्या? वन है और क्या है यहाँ पर? टू है, क्योंकि वन फिर से नहीं लिखा जाएगा, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। और ये भी देखो बच्चों यहाँ पे कितने अवयव है बी में? दो, तो दो अवयव है। ए में कितने अवयव है? तीन अवयव है, तो एक्स वाई जेड, राइट है। तो ए के क्या है? एक्स वाई जेड और बी के क्या है? वन कॉमा टू, है ना। अगर हमें मान लो पूछता कि इसके अन्य अवयव याद करो, है ना, ए क्रॉस बी के अन्य अवयव याद करो, तो हम लोग फिर से क्या करते हैं? एक्स कॉमा वन, एक्स कॉमा टू, वाई कॉमा वन, वाई कॉमा टू, जेड कॉमा वन, जेड कॉमा टू, ठीक है। तो जो अवयव लिखे उनको छोड़ देते, बाकी अवयव हम लोग यहाँ पे लिख देते, बचे हुए अवयव, ठीक है, समझ में आ गया। पहले हम लोग जानेंगे कि आज प्रांत क्या होता। तो प्रांत को बहुत ध्यान समझो, प्रांत को बोलते क्या बच्चों बोलो? डोमेन। क्या बोलते? जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ क्या है? संबंध। माना आर कोई एक संबंध है जो कहां से कहां तक है? ए से बी तक। कहां से बच्चों? माना आर कोई क्या है? एक संबंध है जो कि कहां से कहां तक है? ए से बी। मतलब मैंने कल ही बताया था कि R जो होता है वो उपसमुच्चय होता है A क्रॉस B का, मतलब कि सबसेट होता है A क्रॉस B का, समझा है? तो R में जो क्रमित युग्म में है, R के जो क्या है? क्रमित युग्म में है, उसका जो पहला अवयव है, क्या है अवयव? पहला अवयव क्रमित युग्म का पहला, जैसे बच्चों क्रमित युग्म में जैसे R में मान लो क्या बिलोंग कर रहा है? X कॉमा वाई आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? ये जो X होता है वो A में बिलोंग करता है और Y होता है वो कहाँ बिलोंग करता है बच्चों? तो ये क्रमित युग्म बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला अवयव है, क्या है अवयव? पहला अवयव क्या है? क्या है पहला अवयव यहाँ पे? X। इस पहले अवयव को हम लोग प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान देना, इसका नहीं है, संबंध का। संबंध R का जो क्रमित युग्म का पहला अवयव होगा, उस पहले अवयव को हम लोग क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे बच्चों।
तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, डोमेन डोम को डोमेन मतलब प्रांत, ऐसे लिखते डोमेन डी ओ एम, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा बच्चों बोलो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। क्या मैंने कहा, माना कोई संबंध आर दे रखा है, वो कहां से कहां तक, ए से बी तक दे रखा है, ए से बी तक कोई संबंध दे रखा है, तो आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो जो प्रांत होता है उस संबंध आर का क्रमित युग्म का पहला अवयव, जो ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रमित युग्म आएगा उसका जो पहला अवयव होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे अर्थात प्रांत बोलेंगे। प्रांत को लिखते कैसे, डी ओ एम और ब्रैकेट में आर, तो पहला अवयव क्या कहलाएगा बोलो, मतलब पहला में क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, राइट है बोलो। ये जो इसमें आर में आएगा, आर में जो संबंध में पहला जो अवयव आएगा उसे क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चो, नेक्स्ट है ये परिसर, देख लो पहले परिसर, परिसर को बोलते क्या है, रेंज। अब समझना परिसर का मतलब, यहां पे परिसर का मतलब होता है जैसे कोई संबंध आर है, है? वो कहां से कहां तक है, ए से बी तक है, माना कोई संबंध R है वो कहां से कहां तक है, A से B तक, R उपसमुच्चय होगा A क्रॉस B का, तो जो दूसरा अवयव होता है, जो दूसरा अवयव होता है, जो दूसरा अवयव होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिसर, R A N लिखते हैं रेंज को, है ना, परिसर को R A N। तो दूसरा अवयव क्या है बच्चों बोलो, Y है, तो इसे क्या बच्चों बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। संबंध का, संबंध R का जो क्रमित युग्म का दूसरा अवयव होगा उसे क्या बोलेंगे, पहले अवयव क्या क्या बोलेंगे, प्रांत। पहला अवयव जो होता है वो प्रांत होता है और जो दूसरा अवयव होता है वो परिसर कहलाता है, राइट है, ध्यान रखोगे, जो पहला अवयव आएगा क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, दूसरा अवयव क्या कहलाएगा बच्चो, परिसर कहलाएगा। अब लास्ट में आता है क्या बच्चो, सह प्रांत, क्या बोलते हैं इसको, कोडोमेन। अब ध्यान देना कोडोमेन क्या होता है इसको बहुत अच्छे समझना, संबंध आर है कहां तक है, ए से बी तक, तो जो संबंध है वो क्या होता है, उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस होता है, तो क्रमित युग्म का जो दूसरा जो संबंध के क्रमित युग्म का होगा दूसरा अवयव जो होगा वो क्या कहलाता है बच्चों, परिसर। लेकिन जो संबंध है वो R से मतलब A से कहां तक है बच्चों, B तक, तो ये जो B वाला है, B वाला जो समुच्चय है इस B को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोडोमेन बोलते हैं, सह प्रांत मतलब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सह प्रांत। कितना है बच्चों बोलो, बी है बच्चों, क्या है बच्चों, बी, मतलब कि ए से बी हम लोग को दे रखा है, ए से बी संबंध दे रखा है, मतलब ए से लेके बी तक, तो जो दूसरा सेट होगा, दूसरा समुच्चय होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, को डोमेन अर्थात सह प्रांत बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया, जो दूसरा सेट आएगा वो पूरा पूरा क्या आएगा, मतलब वो पूरा पूरा जो भी होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, सह प्रांत कहलाता है। हाँ कभी कभी ये परिसर और सह प्रांत क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो दूसरा अवयव आता है वो बी से ही आता है, कभी कभी वो पूरे पूरे अवयव आ जाते हैं, तो कभी कभी जो है परिसर जो हो जाता है वो सह प्रांत के बराबर हो जाता है कभी कभी, नहीं तो परिसर के जितने भी अवयव आएंगे वो सब कहाँ से आएंगे, सह प्रांत से ही आएंगे, क्योंकि वो बी से लिए जाएंगे बच्चों, है ना, हो सकते कुछ अवयव यहाँ पे लिखे जाए और कुछ ना लिखे जाए, तो इसीलिए जो ये रेंज होता है वो उपसमुच्चय होता है किसका बच्चों, सह प्रांत, ठीक है। रेंज मतलब कि रेंज जो परिसर होता है वो उपसमुच्चय होता है सह प्रांत का, अर्थात रेंज जो होता है वो उपसमुच्चय होता है किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन, ठीक है ओके। क्योंकि वाई जो है वो कहाँ से आएगा, बी से तो आएगा बच्चों, यहाँ पे बी से आएगा, तो बी के कभी कभी यहाँ पे पूरे पूरे आ जाएंगे बच्चों, लेकिन अलग से अवयव कभी नहीं आएंगे इसमें बच्चों, यहाँ पे आएंगे कहाँ से, पूरे पूरे बी से आएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना ध्यान, सह प्रांत को, सह प्रांत संबंध से नहीं लेना मतलब है,
संबंध से मतलब नहीं है, मतलब क्या है, जो जो तुम संबंध दे रखा है ए से बी, तो जो बी सेट है, जैसे मान लो आर दे रखा है, एक संबंध है पी से क्यू, क्या दे रखा है पी से क्यू, तो जो क्यू होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, सह प्रांत कहलाएगा, मतलब कोडोमेन कहलाएगा, राइट है बच्चों, बोलो तो समझो एक बात जल्दी से, जो प्रांत होता है वो संबंध आर का क्या होता है, आर के क्रमित मतलब ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है, जो परिसर होता है रेंज अर्थात वो संबंध आर के क्रमित का दूसरा अवयव होता है, और जो सह प्रांत होता है मतलब कि कोडोमेन जो होता है वो संबंध आर जो है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, तो जो बी समुच्चय होता है सेट बी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सह प्रांत अर्थात कोडोमेन बोलते हैं बच्चों, राइट है बच्चों, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स हो रही है, हिंदी बताना इंग्लिश वाला दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे काम आएगा बच्चों, क्योंकि आगे डोमेन रेंज और कोडोमेन ही पढ़ोगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, हिंदी कम पढ़ोगे, नोट करो जल्दी इसको फास्ट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, प्रांत सह प्रांत और परिसर पे बेस्ड, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो आज का, जैसे लिखा है आर बराबर, आर का मतलब संबंध होता है यहाँ पे एक्स प्लस वन कॉमा एक्स प्लस फोर, ये मन x belongs to एक दो तीन चार, अब बोला कि प्रांत और प्रांत और परिसर याद कीजिए, सह प्रांत नहीं बोलेगा यहाँ पे, सह प्रांत क्यों नहीं बोला यहां बताने के लिए, क्योंकि बच्चों यहां पे हम लोग को संबंध नहीं दे रखा कहां से कहां तक है, अगर इस संबंध बोलता है कि ए से बी तक है तो ये हम लोगों से सह प्रांत भी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा कि कहाँ से कहाँ तक संबंध दे रखा है हम लोग को, तो इसलिए यहाँ पे प्रांत पूछा है और परिसर पूछा है बच्चों, ठीक है, चलो समझो यहाँ पे, तो पहला अवयव कहलाता है प्रांत और दूसरा अवयव होता है परिसर, है ना, तो पहले हम लोग x के मान रखेंगे, x के मान जो है वो एक है दो है तीन है और क्या है बच्चों, तो पहले एक रखो, जब हम लोग एक रखेंगे x बराबर एक पर क्या आएगा, इस डाट रखो, एक रखने पे क्या आएगा, एक प्लस एक मतलब कि दो, और यहां एक रखेंगे तो कितना आ जाएगा पांच, बोलो आएगा, फिर दो रखो, दो रखने पे कितना आएगा तीन, आएगा तीन, दो रखने पे तीन, और दो चार छह, सही है, और तीन रखने पर आएगा चार, और तीन रखने पर यहां पर आएगा सात, चार रखने पर आएगा यहां पर पांच, और चार रखने पर यहां पे क्या आएगा आठ, नहीं आठ, चार को चार चार रखने जाएगा आठ हो जाएगा, चार चार आठ, ये हो गया बच्चों पूरा, हो गया बच्चों आर, आया समझ में, ये आर आ गया बच्चों, बोलो तो जो प्रांत होगा, प्रांत का मतलब जो डोमेन होगा वो क्या क्या होगा बच्चों, बोलो दो पांच तीन होगा बच्चों, पहला अवयव बोलो दो तीन चार पांच, और जो परिसर होगा वो क्या होगा पांच छह सात आठ, रेंज आ रही है लिख देते हैं पांच छह सात आठ, बोलो समझ आया, तो पहला अवयव जो होगा वो कहलाएगा क्या प्रांत, और जो दूसरा अवयव होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों परिसर कहलाएगा, राइट है, जिसको परिसर क्या बोलते हैं बच्चों रेंज बोलते हैं, राइट है, नोट कर लो इसको, देखो बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, मान लीजिए कैपिटल ए बराबर एक दो तीन चार एड्रेस इसी प्रकार से कहां जाएगा चौदह तक मान लो, ठीक है, आर, आर का मतलब संबंध, R बराबर x कॉमा y सच दैट, x कॉमा y सच दैट 3x माइनस y बराबर जीरो, जहां x y बिलोंग कर रहा है a में, जहां x कॉमा y बिलोंग कर रहा है बच्चों कहां पे a, द्वारा a से a का एक संबंध है, ए से बोलो का, तो जो आर होगा वो उपसमुच्चय कहलाएगा बच्चों कहां से ए क्रॉस ए का कहलाएगा बच्चों, ए से एक आ गया ना, तो लिखा प्रांत सह प्रांत और परिसर तीनों लिखिए बच्चों यहां पे,
तो देखो पहले हम लोग ये चीज पहले ज्ञात करें क्योंकि संबंध निकालना जरूरी है यहाँ पे। क्या दे रखा है बोलो बच्चों यहाँ पे, 3x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा हम लोग को, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, वाई बोलो, इधर भेज देंगे प्लस वाई हो जाएगा। अच्छा अब बताओ जैसे हम लोग x का मान रखे, x का मान एक रखे, x बराबर एक पर y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 × 3 हो जाएगा बोलो बच्चों, और x और y दोनों ही इसी के अंदर होने चाहिए बच्चों। देखो एक भी इसके अंदर है और 3 भी इसके अंदर है कि नहीं, नहीं इसमें है क्या, क्योंकि संबंध जो है a से a पर है बच्चों। अगर x बराबर 2 ले तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 भी है 6 भी है कि नहीं है। x बराबर 3 पर बच्चों बोलो 3 × 9 भी होगा, x बराबर 4 पर बोलो बच्चों y बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग x बराबर 5 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा, जो कि इसके अंदर नहीं है क्योंकि 15 कहां आ रहा बच्चों इसमें, है ना, तो ये तो बनेगा ही नहीं बच्चों यहां पर, बोलो बनेगा कहीं, हाँ। तो r बराबर क्या आंसर आएगा बच्चों बोलो, r बराबर पहला आएगा x मतलब 1, 3 बोलो, है ना, फिर 2, 6 पहले x फिर y, 3, 9 और फिर 4, 12 बोलो आया इसमें। तो जो प्रांत होगा, प्रांत बोलो मतलब कि डोमेन बोलो, 1, 2, 3, 4 और परिसर पहले यहां बोलो, सह प्रांत बाद में लिखेंगे, परिसर पहले 3, 6, 9, 12 और सह प्रांत जो हम बात कर रहे थे सह प्रांत की बच्चों, जो कि होता है कोडोमेन, तो ये जो होगा ये ए से ए होगा बच्चों, तो ये जो दूसरा वाला है वो कहलाएगा, तो ए क्या है बच्चों, 1, 2, 3, 4 डैडस कहां था बच्चों, 14 तक बच्चों बोलो, यही तो होगा, हाँ लास्ट वाला होगा ये बच्चों, तो ये ए लिखा है, तो ए का मतलब क्या, ये पूरा वेव लिया जाएगा 1 से लेके 14 तक बच्चों, ये लास्ट वाला ये नहीं लिया जाएगा सिर्फ, पूरा लिया जाएगा 1 से लेके कहां तक, यहां तक बच्चों, ठीक है। ए क्रॉस ए है जो दूसरा सेट है ये लिया जाता है, हाँ जैसे ए क्रॉस बी होता तो बी लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन ए क्रॉस ए है तो दूसरा क्या, ए ही तो है बच्चों, तो ए ये पूरा लिया जा रहा है यहाँ पर बोलो चो, समझ आया। तो प्रांत, परिसर और ये सह प्रांत, तो वो 3, 6, 9, 12 यहीं से लिया गया, 3, 6, 9, 12 होगा, तो ये इसका क्या है, सबसेट कहलाएगा बच्चों, राइट है, नहीं समझ आया क्या, चलो नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर, लिखा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय R बराबर ब्रैकेट में x, y such that y बराबर x + 5, संख्या x संख्या 4 से कम, x संख्या 4 से कम प्राकृत संख्या, x संख्या 4 से कम प्राकृत संख्या है, तो लिखा है r को परिभाषित कीजिए, फिर इसका प्रांत और परिसर लिखिए। पहले r को बताना है बच्चों, x संख्या क्या है बच्चों, 4 से कम क्या है, 4 से कम क्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहां स्टार्ट होती है, 1 से, तो 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा बच्चों, यही तो होंगे, 4 से कम का आ गया, तो x के जो मान होंगे, x कहां क्या क्या मान होंगे बच्चों, 1, 2, 3 x के मान लिख देते हैं, x बराबर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, तो अगर हमने दे क्या रखा है बच्चों बोलो, y बराबर क्या रखा है, x प्लस 5 दे रखा, तो ये बताओ बच्चों पहले मुझको कि x बराबर 1 पर y का मान कितना आएगा, 6, x बराबर 2 पर y का मान कितना आएगा, x बराबर 3 पर, तो बच्चों ये बताओ r बराबर पहला क्या आएगा, 1, 6
2.7 और 3.8, ठीक है। इसे प्रांत और परिसर पूछा गया है, सह प्रांत नहीं पूछा गया है। प्रांत क्योंकि यहां पे दिन रखा ना, कहां से कहां पे संबंध है बच्चों, ठीक है। प्रांत क्या होगा, 1, 2 और ये 3। परिसर बोलो तो यहां पे कहां पे परिसर है, 6, 7 और ये 8। बोलो समझ में आया भाई, ये समझो यहाँ पर। अच्छा जैसे हम लोग मान लो तभी बाई चांस सह प्रांत यहाँ पूछ लेता बाई चांस, तो सवाल को थोड़ा ध्यान समझो। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, तो मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मतलब कि ये जो संबंध है R जो है वो प्राकृत संख्याओं से बना है, तो मतलब n क्रॉस n लिया जाएगा, मतलब क्या लिया जाएगा, n क्रॉस n। तो n क्रॉस n का मतलब है जो ये n है, ये जो n है ये क्या कहलाएगा, सह प्रांत कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है बच्चों, सह प्रांत कहलाता है, ठीक है। क्योंकि वो लिखा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, है ना, प्राकृत संख्या का समुच्चय मतलब R जो होगा वो n क्रॉस n से दिया गया है, राइट है। तो यहां सह प्रांत पूछा तो क्या लिखते हैं बच्चों, n लिखते हैं, n का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेड सब लिख देते बच्चों यहां पे सब। वो तो x है ना, वो एक्स वाई उसे मतलब नहीं है, हमें जब सह प्रांत पूछा, सह प्रांत हमें यहां से नहीं लेना होता ना, हमें सह प्रांत यहां से लेना होता है बच्चों, है ना। तो ये पूरा n हो जाता है बच्चों, क्या सह प्रांत, समझाया कि नहीं आया बच्चों। अच्छा ये किस रूप में लिखा है मैंने, ये रोस्टर रूप में, उसने कहा भी था कि रोस्टर रूप में लिखो, है ना, ये रोस्टर रूप में लिखा है बच्चों, ठीक है, राइट है। चलो नोट कर लो, भी ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है यदि a बराबर 1, 2, 3, 5 b बराबर 4, 6, 9 तो a से b में एक संबंध r, a से b में ध्यान देना कहां से, a से b में, तो जो r होगा उप समुच्चय होगा बच्चों a से b का बच्चों, है ना। x r बराबर x कॉमा y सच दैट x और y का अंतर विषम है, x और y का अंतर विषम है, हाँ। अब लिखा है इसको रोस्टर रूप में लिखिए, फिर इसका प्रांत सह प्रांत भी हम लोग को निकाल देंगे, इसमें पूछा तो नहीं गया है लेकिन हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलो प्रांत सह प्रांत पहले तीनों निकालेंगे, यहाँ पे कहा गया ना ए से बी में है तो फिर हम लोग सह प्रांत भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये पढ़ो क्या लिखा है, एक्स और वाई का अंतर क्या है, अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब घटाना बच्चों, ठीक है। विषम का मतलब होता है ऑड, है ना, ऑड। तो समझो यहाँ पे जैसे हम लोग पहले एक्स लेंगे बाद में क्या लेंगे वाई, अगर हम लोग एक और चार ले, एक और चार का जो अंतर करेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 में ही जाएगा तो 3 बचेगा बच्चों, तो ये क्या है विषम है, तो ये लिखा जाएगा 1.4। बोलो आया इसमें, 1 का 6 में लिखो तो 1 में 6 जाएगा कितना बचेगा 5, तो ये भी विषम है तो इसको भी लिखा जाएगा। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अंतर करो डिफरेंस। अब देखो 1 का फिर किसे 9, तो 8 क्या है सम है, तो सम नहीं लिया जाएगा, है ना, इवन नहीं लेने हम लोगों को, लेने क्या ऑड, ऑड का मतलब विषम, ओके तो 1.9 नहीं लिया जाएगा बच्चों, राइट है। 1.9 कितना आ रहा, 8 आ रहा ना, 8 क्या है सम है, ठीक है। आगे चलो 2.4 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा तो नहीं लिया जाएगा, 2.6 कितना बचेगा, 4 नहीं लिया जाएगा, 2.9 9 में 2 जाएगा 7 तो ये लिया जाएगा बच्चों, है ना। बोलो विषम आएगा ना यहाँ पे, आगे चलो 3.4 1 बचेगा, लिया जाएगा 3.4, 3.6 कितना बचेगा 3 तो ये भी लिया जाएगा, बोलो जो 3.9 करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 सम है नहीं लिया जाएगा। आगे देखो 5.4 लिया जाएगा, देखिए 1 बचेगा, 5.6 लिया जाएगा 1 बचेगा इसमें बच्चों, हाँ 5.4 कितना बचेगा 1 बचेगा अंतर, और 5.6 कितना बचेगा 1 ही तो बचेगा, 1 क्या विषम है ना, है ना। और 5.9 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, आएगा तो वो 4 नहीं लिया जाएगा, 4 क्या है सम है, तो ये इतने तो आएंगे बच्चों, बोलो
है ना, रोस्टर रूप में हो गया, राइट है। आप समझो इसमें प्रांत क्या, प्रांत तो अब तुम बता सकते हो बच्चों, बोलो प्रांत, एक एक दो, फिर तुम एक एक बोलो दो बार, एक सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, एक दो तीन पांच, परिसर बोलो बच्चों, चार छह नौ, चार छह नौ, बस यही जाएंगे, चार छह फिर वही आ रहा बच्चों, तो चार छह नौ। और सह प्रांत, सह प्रांत मतलब कोडोमेन जो कि दूसरा सेट होता है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, बी, और बी मतलब क्या है बच्चों बोलो, पूरा पूरा वही है ना, ये तो बराबर आ गया, तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया भी था तुम्हें एक बार कि परिसर और सह प्रांत कभी कभी बच्चों क्या हो जाएंगे, बराबर भी हो जाएंगे बच्चों, बताया था ना, तो ये रोस्टर रूप में हो गया, ये प्रांत परिसर और सह प्रांत मैंने निकाल दिया, ये पूछा नहीं गया लेकिन मैंने निकाल के तुम्हें दिखा दिया यहाँ पे, समझाया। यहाँ एक एक दो बार लिखा है लेकिन लिखना एक ही बार है, क्योंकि मैंने शुरुआत पढ़ाया समुच्चय में कोई भी अव्यय रिपीट नहीं होता है, वो एक ही बार आता है यहाँ पे, ठीक है, तो एक सिर्फ एक ही बार आएगा बच्चों, राइट है, चलो नोट करो।